आज किस तरह के मुद्दे हैं जनता के बीच, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? पहला मुद्दा तो ये है कि 10 साल के अंदर रोहतक के अंदर जो विकास हुआ, रोहतक में हम IIM की बात करते हैं, रोहतक में एम्स की बात करते हैं, रोहतक में IMT की बात करते हैं, रोहतक के अंदर हम ID एक्सटेंशन की बात करते हैं, रोहतक के अंदर हम विजुअल आर्ट्स UC की बात करते हैं, यहाँ पर पंडित भगवत दयाल हेल्थ UC की बात करते हैं, UST बहुत सुंदर बनी इसकी बात करते हैं, रोहतक के सड़कों और स्वतंत्रता की बात करते हैं, लाइटिंग की बात करते हैं, सीवरेज सिस्टम की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, और रोहतक से ऑटो मार्केट और उनकी शिफ्टिंग की बात करते हैं, रोहतक से 6 लेन हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम सिटी पार्क की बात करते हैं, हम मानसरोवर पार्क की बात करते हैं, और हम स्टेडियम की बात करते हैं, आउटडोर थिएटर की बात करते हैं, UST की जहाँ से प्रोग्रेस है वहाँ पर हम टैगोर थिएटर की बात करते हैं, वहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्ण थिएटर की बात करते हैं, रोहतक हिंदुस्तान के 36 शहरों की में गिना जाता था, हम उस रोहतक की बात करते हैं, उस रोहतक में हमारे टाइम में एक स्ट्रेंथ पैदा हुई थी, एक अच्छा सुंदर और अच्छा शहर बना। अच्छा, देखो कि ना सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने बहुत काम कराए, आप खट्टर साहब ने आप उनसे बुलाइए, खट्टर साहब ने यहाँ कोई काम नहीं किया, या जात पात के बाप में लोगों को डिवाइड किया गया है, और डेवलपमेंट के नाम पे एक यहाँ पर प्रोजेक्ट आया एलिवेटेड ट्रैक का। मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, आदरणीय खट्टर जी को और यहाँ के विधायक जी को कि किसी लाइन का एकदम शिफ्टिंग होना और उसकी एक्सटेंशन उसकी एलिवेटेड बनना में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर 80 फुट का एक माल रोड होता और माल रोड जब होता तो एक रोहतक एक दूसरा रोहतक होता, पता नहीं किन्होंने किस दुर्भावना से इन्होंने इस प्रोजेक्ट का किया, और वो 5 किलोमीटर ने जो दुख देखा मेरे पत्रकार भाई सारे जानते हैं, आज के दिन भी कितना डब्बे डुबे बनाए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और जहाँ तक आप देखें कि घोटालों की सरकार है, घोटालों की कॉरपोरेशन है, भिवानी स्टैंड का घोटाला, आप देखिए क्या नाम है इसका, पार्कों की मेंटेनेंस का घोटाला, पार्कों की चौक का घोटाला, टॉयलेट्स का घोटाला, सड़कों की स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ उसका घोटाला, सारा कॉरपोरेशन सारी सरकार घोटालों में है और सब घोटालों के मंत्री लिप्त है। मैं मंत्री से इस बात का जवाब मांगता हूँ। ठीक है।